माय फेवरेट टॉप 10 में नंबर 1 पर मेरे पास है बैंकॉक के चोर। बैंकॉक के चोर एक ऐसी सुपरहिट फिल्म थी जिसको पाकिस्तान में इंडियन शोले से मुवाजना किया जाता था। जैसे शोले इंडिया में हिट हुई, इतनी बड़ी हिट हुई, इस तरीके से पाकिस्तान में बैंकॉक के चोर है। और बैंकॉक के चोर से भी बहुत यादें जुड़ी हैं। इस फिल्म की कास्ट, जो कास्टिंग का जब टाइम आया इस फिल्म की, तो उसमें सबसे पहले, क्योंकि हांगकांग के शोले हिट हुई थी, रिलीज़ हुई थी, उसके बाद बैंकॉक के चोर शुरू हुई, तो इसमें सबसे पहले कास्ट किया गया जावेद शेख साहब को। उनके साथ थे नेपाल के एक्टर शिवा और सबीता और एक और हीरोइन थी नेपाल से ही। इसके अलावा 3 विलन थे इसके अंदर, जिसमें से एक जो है वो एंड में पॉजिटिव हो जाते हैं, मुस्तफ़ा कुरैशी, अदीब साहब, हुमायूं कुरैशी साहब, रंगीला साहब थे इस फिल्म के अंदर। और बहुत कमाल की फिल्म थी, जो नंबर 1 पे मैं इसको गिनता हूँ हमेशा। उसकी ख़ास रीज़न ये है कि टेक्निकली ऐसी फिल्म तो मैंने पाकिस्तान में नहीं देखी मैंने, कि इतनी अच्छी एक्शन फिल्म और टेक्निकली इतनी स्ट्रॉन्ग फिल्म है कि आप अगर उसको देखेंगे, उसकी खाली शॉट डिविजनिंग ही देखेंगे तो इंसान पागल हो जाता है कि यार ये क्या क्या वैरायटी ऑफ शॉट्स लिए गए हैं। और इसमें जिसके फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे वो सैयद शकील अख्तर और एम अयूब थे, और एम अयूब साहब जो है वो ख़ुद बेसिकली एक सिनेमाटोग्राफर थे। तो जब ये फिल्म शुरू हुई तो एज ए डायरेक्टर जान मोहम्मद साहब को साइन किया गया, और एवरेडी के तवसत से फिल्म शुरू हुई थी। अयूब साहब ने कहा कि जी मैं सिनेमाटोग्राफी खुद करूँगा क्योंकि मैं खुद प्रोड्यूसर भी हूँ। तो जान साहब ने कहा कि जी मुझे सूट नहीं करती आपकी सिनेमाटोग्राफी, आपका एंगल और आपकी लाइटिंग कुछ और है, और मैं जो फिल्म को देख रहा हूँ वो मैं किसी और तरीके से देख रहा हूँ। लेकिन बहरहाल जो टीम थी सब ने कहा कि जी वो प्रोड्यूसर हैं, अब आपको इतनी बात तो माननी पड़ेगी, आप डायरेक्टर हैं, आप उनसे काम ले लें। तो बड़ा एक लतीफ़े वाली बात है। लेकिन अयूब साहब जो थे वो हाइट से डरते थे, अगर उनको कोई 10 मंजिला बिल्डिंग पे चढ़ा दो और उनको कोई शॉट लेना है तो वो डरते थे उससे, उनको चक्कर आते थे। तो ऐसे ही हुआ कि पहले दिन शूटिंग थी बैंकॉक में, तो एक बिल्डिंग थी अंडर कंस्ट्रक्शन कोई 24 मंजिला, उसकी छत पे शूटिंग करनी थी मेरे वालिद को। तो उन्होंने पहला शॉट ही ये कंपोज किया कि वो मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के पीछे पुलिस लगी हुई है और वो भाग रहे हैं पुलिस से, और वो भागते भागते एक ऐसी डगर पे आते हैं कि सामने बिल्डिंग का एंड है और वहाँ से उनको छलांग लगानी है। तो उन्होंने अयूब साहब से कहा, अयूब साहब पहला शॉट यही लीजिए कि मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो नीचे झाँक रहे हैं, पीछे पुलिस आ रही है और सामने वो देख रहे हैं, और नीचे 24 जो है मंजिला नीचे ज़मीन है। तो अयूब साहब ने देखा तो उनको चक्कर आ गया और वो साइड पर बैठ गए, कह लेंगे जान साहब ये शॉट आप खुद ले लें, इसके बाद मैं ले लूँगा। उन्होंने कहा नहीं, आप सिनेमाटोग्राफर हैं, या तो आप ये शॉट लेंगे वरना फिर पूरी फिल्म मैं खुद करूँगा। तो फिर डिसाइड उन्होंने कहा नहीं नहीं, ना मैं ये शॉट लूँगा ना मैं फिल्म करूँगा, आप जो है वो जान साहब पूरी फिल्म खुद कीजिए। उस फिल्म में बेसिकली डायरेक्शन के पैसे तो लिए जान साहब ने, लेकिन सिनेमाटोग्राफी के नहीं लिए। लेकिन उस फिल्म की आप सिनेमाटोग्राफी देखें तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि बेसिकली जब कभी ऐसा मौका आ जाए कि प्रोड्यूसर भी सिनेमाटोग्राफर है और डायरेक्टर भी है, तो एक चैलेंज होता है कि मैं वो करके दिखाऊं जो ये नहीं कर सकता। तो आपको उसमें वो एंगल दिखेगा उस फिल्म के अंदर। और इस फिल्म का जो टाइटल था वो बैंकॉक के चोर, तो इसमें भी यही होता था कि जितने भी एक्टर्स थे वो क्लेम करते थे कि जी हमारा टाइटल रोल है। और मुझे नासिर अदीब साहब की बात याद है, वो कहते हैं कि ये पहली फिल्म थी जिसका मैंने लाइन में लग के टिकट ख़रीदा था, और कई दिन तक टिकट नहीं मिला, उसके बाद मैंने कहा चलो जी लाइन में लग के टिकट ख़रीदते हैं, और मैंने फिल्म देखी तो मुझे बहुत पसंद आई। और नासिर अदीब साहब ने इसी टाइटल से, बैंकॉक के चोर से इंस्पायर होकर, एक फ़िल्म का टाइटल रखा था ताशकंद के चोर, जो किसी वजह से नहीं बना पाए वो, लेकिन वो बहुत इस फिल्म से जो है वो हाईली इम्प्रेस थे। और कमाल, टेक्निकली कमाल फिल्म थी, स्टोरी कमाल थी। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि कास्ट में पहले थे जावेद शेख साहब, तो जावेद शेख साहब के लिए इंतज़ार हो रहा था थाईलैंड में, और फिल्म की शूटिंग कोई 15-20% जो उनके बगैर हो सकती थी वो भी हो गई थी, और मज़ीद इंतज़ार हो रहा था कि अब वो आएंगे, जो उनको आना था 20 दिन पहले, लेकिन वो नहीं आ पा रहे थे। उनकी शादी हो गई थी सलमा आगा बेगम से, और वो बॉम्बे में थे, और आज आ रहे हैं कल आ रहे हैं यही पता लग रहा था। तो अगेन सतीश साहब ने कहा कि जी एक नया लड़का है, इजहार काजी नाम है उसका, और अमिताभ बच्चन की लुक है थोड़ी सी, बड़ा स्मार्ट पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ लड़का है, तो क्या करें जान साहब उसको ले लें। तो मेरे वालिद का एक वो था अपना, एक उनकी कैलकुलेशन थी, वो कहते थे कि यार फिल्म अच्छी हो तो कास्ट कोई सी भी हो चल जाएगी।
वो अब अगर आप उस दौर के हिसाब से देखें तो जावेद शेख साहब नहीं थे उस फिल्म में जो हिट हो चुके थे। अब हीरो कौन है? इजहार काजी, उनकी पहली दूसरी फिल्म, और रूबी उस वक्त रिलीज़ नहीं हुई थी उनकी जब बैंकॉक के चोर बन रही थी, तो रूबी अगर फ्लॉप हो जाती तो बड़ा मसला हो जाता। लकीली रूबी भी हिट हो गई। शिवा, शिवा की भी ऐसी पहली दूसरी फिल्म, और वो एक फॉरेन एक्टर थे तो उनका पता नहीं था कि क्या मुस्तकबिल होगा पाकिस्तान में। हीरोइंस जो थी उसमें सबिता की एक दो फिल्में हिट हो चुकी थी, लेकिन अगेन वो फॉरेन एक्टर्स थी, और एक और हीरोइन थी जिनका कोई पाकिस्तान में नाम नहीं था। तो जो प्रोमिनेंट एक्टर थे वो तीन चार ही थे उसके अंदर। हुमायूं कुरैशी वो विलन थे, अदीब साहब वो विलन थे, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब और रंगीला साहब, इनके अलावा प्रोमिनेंट एक्टर कोई नहीं था फिल्म के अंदर। लेकिन उस फिल्म का इतना बिजनेस था और इतनी ज़बरदस्त फिल्म हिट हुई कि आज तक लोगों को याद है वो फिल्म, और यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उसको देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि उस दौर में मैं नहीं समझता कि इतनी अच्छी थ्रिलर, इतनी अच्छी एक्शन फिल्म आज भी कोई पिक्चराइज कर सकता है, इस फास्ट पेस्ड की फिल्म, कि वो आपको लगेगा कि वो फिल्म आज के दौर की है। कभी भी आप एहसास नहीं कर पाएंगे कि यार ये 80s में बनी हुई कोई फिल्म है। और मेरे लिए इसलिए भी बड़ी अहम फिल्म है कि मैं एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट, मेरी वो पहली फिल्म थी, मैंने 5-6 फिल्में की हैं एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट, और मेरी, मेरी बहन की और मेरे भाई की, उन मेरे बहन और भाई की दूसरी फिल्म थी और मेरी ये पहली फिल्म थी। तो बेसिकली वो एक फैमिली माहौल भी था फिल्म के अंदर। तो म्यूज़िक बहुत हिट था उसका, एक गाना था कुट कुट बाजरा जो एक फोक पे बना था, वो इतना हिट हुआ उस ज़माने में और आज भी वो रेडियो पे बजता है और बहुत हिट गाना है। और परफॉर्मेंसेस सबकी बहुत अच्छी हैं, एक्शन फिल्म का बहुत अच्छा है, मतलब एक कंप्लीट पैकेज फिल्म है वो, जिसमें कॉमेडी, एक्शन, सस्पेंस, इमोशंस, सेंटिमेंट्स, हर चीज़ आपको मिलेगी, पेट्रियाटिज़म। और मतलब आप बाज दफ़ा तो एहसास होता था कि अगर ये एक्टर का फेस चेंज कर दो तो लगता था कि आप इंग्लिश फिल्म देख रहे हैं, इतनी वेल डायरेक्टेड एंड सिनेमाटोग्राफ्ड फिल्म है वो। और मतलब हैट्स ऑफ टू राइटर्स एज वेल। बैंकॉक के चोर का एक सीक्वेंस ब्रिज ऑफ रिवर क्वाय के ऊपर पिक्चराइज हुआ है, जो बड़ा कमाल पिक्चराइज हुआ हुआ है, और वो एक बड़ा यादगार ब्रिज है, वर्ल्ड वॉर टू का बड़ी यादें वहाँ से वाबस्ता हैं। तो बड़ी तारीखी लोकेशन हैं इस फिल्म के अंदर, ऐसे ऐसे टेम्पल्स में शूट हुई जो ज़मीन से 200 फुट नीचे हैं। एक टेम्पल में, ऐसे टेम्पल में शूट हुई जो एटलीस्ट तकरीबन 100 फुट ज़मीन के अंदर था, और उसमें पिक्चराइज हुई फिल्म, और उसके अंदर जाना आना बड़ा एक मुश्किल काम था। तो वैरायटी ऑफ लोकेशंस और गाने और परफॉर्मेंसेस, मतलब बहुत खूबसूरत फिल्म है। और ये वो फिल्म है जहाँ से इजहार काजी साहब का और जान मोहम्मद साहब का भी साथ चला, और इजहार काजी साहब ने 7 सुपरहिट फिल्में उनके साथ दी हैं नॉन स्टॉप। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जान मोहम्मद साहब की टॉप 10 फिल्म्स, जो कि मेरी पसंद थी, आपको भी पसंद आई होंगी, और जो किस्से कहानियाँ मैंने आपको सुनाई वो आपको अच्छे लगे होंगे, उनसे आप लुत्फ़अंदोज हुए होंगे। आइंदा किसी और टॉपिक पे फिर होगी आपसे मुलाकात। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।